सर की अभी वर्तमान में JVKSS यानी जयराम महतो की पार्टी बहुत बड़े पार्टी के रूप में उभर के आई है। बहुत सा 3,47,000 करीब गिरिडीह में लोकसभा में वोट लाई, क्या कहेंगे उनको, उनका भविष्य कैसे देखें? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच रांची लोकसभा के पूर्व सांसद श्री रामटोल चौधरी जी हैं। उससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार 10 साल हो गई और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं सर। जोहार। हाँ, जोहार सबको। सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहें? बड़ी खुशी की बात है कि एनडीए सरकार में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इनसे देश के लोगों को बहुत आशा आकांक्षाएं हैं कि मोदी जी ही हम लोग का जो भी समस्या आज है उसको दूर करेंगे, जैसे बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ और भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा मुद्दा अभी देश में है और बहुत से जगहों पर आतंकवाद है और ये चोरी, छिनताई, डकैती ये भी देश में बहुत बढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और देश की जनता ने इन पर विश्वास किया है और सारे एनडीए के लोगों ने विश्वास किया है और इनको प्रधानमंत्री बनाया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय सभी एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। तो सर, एक चीज़ है कि मोदी सरकार ने 10 साल में छात्र के जो रोजगार की बात है इसमें बात नहीं की, इसी कारण हमको लग रहा है कि कुछ सीट कम आई। देखिए, पढ़े लिख के लोग बेरोजगार हो गए हैं, हर जगह नौकरियां बंद हैं और इसी में लोग आक्रोशित हैं और आज मोदी जी को जो समर्थन कम मिला है इसका भी एक पार्ट है, क्योंकि रोजगार सबसे पहला मुद्दा है और महंगाई, ये सब बेरोजगारी, ये सब तो जरूरी है। तो इसीलिए हमने मोदी जी से आग्रह किया है, लिख के भी उनको दे रहे हैं कि 4-5 मुद्दे जो अभी ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर जल्दी से पहल करके आप इन समस्याओं का समाधान करें तो देश हित में और संगठन के हित में ये अच्छा मैसेज जाएगा और मोदी जी ही पर विश्वास है इन समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं। पिछड़े हैं, दलित हैं, ST हैं, SC हैं, समाज के हर गरीब के तबके के लोग आज इन पर उम्मीद किया है। किस किस समस्या के लेकर आपने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, क्या क्या समस्याएं? 4-5 पॉइंट है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई तो हमने बता ही दिया है और बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार, ये सब चीजें हैं और साथ साथ एकमात्र प्रतिष्ठान जो मदर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है झारखंड में, HEC है। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है और अभी 40 महीनों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा और आज 3-4 महीने 6 महीने से लोग आंदोलित हैं, चाहे उनके जो अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं सभी आंदोलित हैं और ये सोचने की बात है 40-45 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगा तो आखिर लोग जिंदा कैसे रहेंगे। और इस प्रतिष्ठान में पहले 20-25-30 हजार लोग काम करते थे, अभी तो मात्र 2-4-5 हजार ही लोग सप्लाई वगैरह मजदूर मिला के काम कर रहे हैं, उसको भी तनख्वाह समय पर नहीं मिल पा रहा। तो मोदी जी कहेंगे कि सर, केंद्र सरकार का एक प्रतिष्ठान और केंद्र सरकार का प्रतिष्ठा के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसके लोगों में नाराजगी है केंद्र सरकार के प्रति, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसमें पहल करते हुए विभाग के अधिकारियों को, मंत्री को निर्देश देते हुए इसको सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी मशीन हो गई और ये फैक्ट्री ऐसा है कि कभी दूसरे से लड़ाई हुआ, डिफेंस का सामान बनाना हुआ तो रात दिन मेहनत करके इन्होंने दिया है
और हर इमरजेंसी में ये फैक्ट्री के मजदूर तत्पर रहे हैं और हर आदेश का पालन किए हैं, और समय पर जो चीज नहीं बना सकता दूसरा जगह एच ई सी ने बना के दिया है। तो ये इसमें प्लांट का बहुत बड़ा महत्व है, और मदर इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि इसके नीचे सैकड़ों छोटे छोटे फैक्ट्री हैं जो इस पर जिंदा हैं, वो सब सारे बंद हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार देने की बात है, इसलिए ऐसे प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता के साथ और इसका मॉडर्नाइजेशन के लिए एक टीम बना करके, और क्या क्या आवश्यकता इस इंडस्ट्री को है जिंदा करने के लिए, क्या आवश्यकता है, कैसे ये आगे बढ़ेगा, वर्क ऑर्डर इसको मिले, समय पर काम पूरा हो, ये सभी चीज़ें तभी हो सकता है जब इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लें और इस काम को जल्दी से जल्दी एचईसी मजदूरों का बकाया मजदूरी और इस फैक्ट्री को खड़ा करने में आपका सहयोग दें, यही मेरा आग्रह है। और कुछ बात है? और रोजगार के बारे में बात होगी? रोजगार के बारे में सारी बातें तो अभी ज्वलंत अंदर बाद में बहुत सारी बातें हैं, मगर अभी जो वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है जिससे सरकार नाखुशी भी है, उन मुद्दों को हमने रखा है जो आए दिन सुनते हैं देखते हैं और लोगों का जो चर्चा होती है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये आतंकवाद और ये जो चोरी डकैती छिनते हो रहा है, इसको सख्ती से कैसे निपटा जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे लोग परेशान हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। और फिर जितना भूमि माफिया है जो रैतों को ठगने का काम कर रहे हैं, बोगस दस्तावेज तैयार करके और जिसका जमीन है उसको न देकर मिल करके दलाल लोग इसके पीछे पड़ गया और ये कर रहे हैं, और इसी से कई घटनाएं हत्याएं हो रही है, इसको भी रोकने की जरूरत है। और एक चीज कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट से चुनाव हुई, तो उसमें बीजेपी का अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा से हार गए, आप वहां समर्थन देने भी गए थे, क्या वजह रह गई सर कि केंद्रीय मंत्री को हारना? देखिए बहुत सा कारण होता है, उन्होंने जितना समय देना चाहिए क्षेत्र में लोगों के बीच में उनकी समस्या को, जो हम क्षेत्र में गया जो भी बातें आई उसी बात को हम रख रहे हैं कि कभी क्षेत्र लोग से मिले नहीं, छोटी छोटी समस्याएं रहती है गांव में उसका समाधान करने में प्रयास नहीं किए, और इसके वजह से मिले भी नहीं। रोड किनारे बहुत सा प्रमुख स्थान है, उस समय रुकना चाहिए, मिलना चाहिए, कभी 5 साल में नहीं रुके, ये लोगों का कहना था और इसी से लोगों में आक्रोश था। हम समझते हैं आगे मंत्री जी से भी बात थी कि आगे इसको कैसे ठीक किया जाए, और जो भी मांगे हैं और खास करके एक मांग था कुर्मियों को आदिवासी बनाने का, और ये 1904 में जब मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी का घोषणा पत्र में था कि कुर्मियों को आदिवासी बनाया जाएगा, पहला था 6 जातियों का था जिसमें पहला फिर तेली का था और जातियों का, मगर इस पर कोई पहल नहीं हुआ। इस बार खुद मंत्री थे और वहाँ जिन लोगों का मांग नहीं था वैसे जात को भी इन्होंने सम्मिलित किया, और इतना दिन से पार्लियामेंट में आंदोलन हुआ, यहाँ स्थानीय आंदोलन हुआ, रेल रोका गया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा समाज है, और यह मांग जो है सो पहले से, चूंकि 1932 से ही कुर्मी आदिवासी में, और उसके बाद इनको किसी किस कारण से सूची से हटा दिया गया, कोई अंग्रेजों के समय से ही
क्योंकि कुर्मियों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण को देखते हुए उस समय वर्गीकरण किया गया था। उसे कुर्मी भी संस्कृति से लेकर जितना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से पिछड़ा समझ करके इसको आदिवासी सूची में रखा गया। सर और एक चीज सर कि अभी वर्तमान में जेबीकेएसएस यानी जयराम महतो की पार्टी बहुत बड़े पार्टी के रूप में उभर के आई है, एक बहुत 347,000 करीब गिरिडीह में लोकसभा में वोट लाई, क्या कहेंगे उनको, उनका भविष्य कैसे देखें? देखिए ये तो सचमुच जो जवाहरलाल यहाँ मुद्दा था उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, खास करके बेरोजगारी के लिए विस्थापितों का, ये सब ज्वलंत उदाहरण था। उन्होंने इसको समझा और इसको स्थानीयता का भी इन्होंने बात रखा, तो ये सब बात लोगों को जचा और इसीलिए लोगों ने इनको साथ आज जो भी मिला उनको इसीलिए इतना जहाँ भी कैंडिडेट खड़ा किए उनके कैंडिडेट को समर्थन मिला। तो यही कारण है कि यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको इन्होंने आधार बना करके किया है। हालांकि इस सब मुद्दा तो लोग समय में उठते रहा है मगर इसको तो जोरदार ढंग से इन्होंने इस बात को रखा जिसका नतीजा होगा। तो क्या लग रहा है सर विधानसभा में कुछ बड़ा खेल कर पाए? देखिए ये नहीं कह सकता है, देखिए पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव का अलग होता है, जितने मुखिया चुनाव लड़ते हैं तो उसका अलग हिसाब होता है। इसलिए अब परिणाम ये जो अभी इनको मत मिला है ये बरकरार रहेगा तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सर।